तो आज है 12 सितंबर और अभी बज रहे सुबह के 4:15। तो भाई घर से निकल गया था मैं 4 बजे और भाई फाइनली वो दिन आ गए जब मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सोलो बाइक पैकिंग टूर पे निकल रहा हूँ, जो कि होने वाली है 4 धाम। जब भी मैं सोलो टूर पे निकलता हूँ धड़कने इतनी तेज हो जाती है ना सुबह सुबह, बाप रे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। मैं हूं आपका दोस्त नीरज भंडारी। निकल चुका हूं अपनी लाइफ के सबसे बड़े और सबसे एडवेंचरस सोलो बाइक पैकिंग टूर में, जो कि होने वाला है 4 धाम। और 4 धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिसमें से मैं केदारनाथ बद्रीनाथ तो मैं ऑलरेडी अपनी साइकिल में जा चुका हूं, बट टाइम आ गया है उस मेमोरी को रिजुविनेट करने का। और भाई कुर्सी की पेटियां बांध लो और रेडी हो जाओ एक एडवेंचरस सीरीज के लिए। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस चीज के लिए। तो देखो गाइस, अभी आप बोल रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 और मैं मसूरी पहुंचने वाला हूँ। मसूरी यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर है। तो बेसिकली मेरा प्लान ये था कि अंधेरे में जितना कवर हो सके उतना कवर कर लूँ, उसके बाद उजाले में इस ब्लॉग को स्टार्ट करूंगा। तो आज है डे 1, तो आज मेरा प्लान है कि मैं आज कम से कम 110 से 120 किलोमीटर कवर कर लूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी बाइक पैकिंग है इस बार। पैकिंग आप देखोगे ना भाई, बिलीव नहीं कर पाओगे इस साइकिल में इतना सामान कैसे लग सकता है। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि मुझे यहाँ तक, जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ तक मुझे आस्तदी ने एस्कॉर्ट किया, तो थैंक यू आस्तदी। तो सबसे पहले जो धाम है वो मैं जा रहा हूँ यमुनोत्री, जो पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो सीक्वेंस यही होने वाला है, पहले मैं जाऊंगा यमुनोत्री, देन गंगोत्री, देन केदारनाथ, देन बद्रीनाथ। तो वैसे सुबह जब मैं निकला था मौसम साफ था, अभी देखो पूरे ऊपर मसूरी में बादल हो गए। आई होप बारिश ना हो, और अगर हो भी तो बहुत ही कम हो, क्योंकि जितना भी रेन कवर वगैरह वो मैंने बैग के अंदर रखा हुआ है, तो मुझे पूरा पैकिंग खोलनी पड़ेगी अगर मुझे अपना बैग वगैरह कवर करना है बारिश से। मसूरी रह गया सिर्फ 10 किलोमीटर और बेकार चीज़ ये है कि इन्हीं 10 किलोमीटर में बहुत तगड़ी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। तो लास्ट शॉट लिया था, उसके बाद से मैंने कवर कर लिया 8 किलोमीटर, 8 नहीं 7 किए। आज की राइड का सबसे टफेस्ट पार्ट यही था, देहरादून से मसूरी जाना। यू आर एट मसूरी 6170 फीट। तो भाई फाइनली इट took me 6 hours, 6 घंटे लगे मुझे मसूरी आने में। 4 बजे निकला था, 10 बज रहे हैं अभी। उफ, वाट लग गई भाई। पीछे ना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि ना पीछे मेरी वाट लग गई थी, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। पराठा खाया एक और चाय पी, बड़ा बकवास पराठा था, मैंने आधा छोड़ दिया। हाँ, अभी मेरे पास कैश नहीं है, तो अभी ATM से ऊपर मसूरी में कैश निकालता हूँ, एंड बाकी बातें पैसे निकालने के बाद। तो भाई फाइनली ये है मसूरी का मेन लाइब्रेरी चौक, यहाँ से मैं जाऊँगा कैंपटी फॉली वाले रूट पे। ओ माय गॉड, इतनी खुशी। अब तो ऐसे सीधा सीधा है और नीचे नीचे, फिर जब एक बार नीचे पहुँच गया फिर थोड़ा प्लेन आएगा और हल्की हल्की चढ़ाई आएगी। तो देखो मसूरी 6 घंटे आने का रीज़न ये नहीं कि मेरे को थकान लगती है, मेरी बस की नहीं है, दिक्कत ये है कि सामान इतना ज़्यादा है ना, मतलब मैंने पहली बार इतनी भयानक बाइक पैकिंग खुद देखी है और खुद करी है, मतलब इस साइकिल के हिसाब से ना, क्योंकि MTB में इतना सारा लोड नहीं डालते, हाइब्रिड बाइक और रोड बाइक में इतना सामान डालते हैं, बट मैंने अपनी MTB में डाला है, तो इसलिए मुझे 6 घंटे लगे। मतलब पूरा घर लेके चल रहा हूँ मैं अपने साथ, पूरा एक घर। जब मैं मसूरी पहुंचने के लिए 4-5 किलोमीटर नीचे था ना, तो मसूरी में बहुत ही भयंकर कोहरा लगा हुआ था, ठंडा हो रखा था इधर, और जब तक मैं पहुंचा यहाँ पे इतनी भयानक धूप लगी, देखो मैं फुल कवर हो गया। इस बार ही तो ना चाह के भी मैं बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दिस। अब देखो ये प्लेन रोड है, फिर भी मैं कितने स्लोली चला रहा हूँ, बिकॉज सामान इतना ज्यादा है ना कि अगर मैं गड्ढों में साइकिल मैंने तेज चलाई तो सामान तो जाएगा, मेरा कैरियर भी जाएगा, साइकिल भी जाएगी। तो मैं नहीं चाहता भाई कि मेरी साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम आए, बिकॉज सबसे बड़ा फेलियर एक टूरिंग में मैकेनिकल फेलियर ही होता है। अगर मैकेनिकल फेलियर हो गया तो ना तुम आगे के होते हो ना तुम पीछे के रहते हो। दोस्तों अगर गड्ढा इतना सा भी है ना, इतना सा गड्ढा जिसको हम मतलब ऐसी बोलते हैं कि ये क्या गड्ढा है भाई, उस गड्ढे की भी आज मुझे इज्जत करनी पड़ रही है, क्योंकि हल्का सा भी गड्ढा आ रहा है तो सामान जैसी आवाज आ रही है ना साइकिल से धपा। हाँ यहाँ पे तो फिर से कोहरा लग गया, मैंने तो विंड शीटर भी उतार दिया, मुझे ठंडा लगेगा। देखो देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा बादल हो रखे थे, अब भयंकर धूप आ गई है, मेरी ना पीठ जलनी शुरू हो गई है। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं पहुंच चुका हूँ कैंपटी फॉल के ठीक आगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये है जो मसूरी का फेमस कैंपटी फॉल है। अभी का सीन ऐसा है, यहाँ से पूरा डाउन हिल है, पूरा सर्कल बना के वहां से पूरा, एंड वहां से बहुत ज्यादा नीचे डाउन हिल है। आधा घंटा 45 मिनट तो मजे आने वाले, मजे तो मतलब मेरी टांग के आने वाले, पर डाउन हिल में ना हाथों की जो वाट लगती है ना, हाथों की और गर्दन की, भाई साहब क्या ही बोले। तो यार मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो पूरी जर्नी होने वाली है ना बहुत ज्यादा एडवेंचरस होने वाली है, बट मैं एक वर्ड यूज करना भूल गया, वो था कि यहाँ पे नजारे भी बहुत ज्यादा सुंदर होने वाले हैं। अभी देखो राइड स्टार्ट ही हुई है और ये देखो ना पूरा नेचुरल वाटरफॉल आ रखा, मतलब आगे तो देखो बहुत दिखेंगे ऐसी चीजें, तो मैं अब हर जगह तो रुक नहीं सकता, बट
कोई जबरदस्त वाटरफॉल दिखता है ना, वहाँ पे रुक के फोटोज खिंचाऊंगा। तो गाइस फाइनली पूरी ढलान खत्म होती है, तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर की पूरी ढलान थी, नहीं मतलब ज्यादा थी आई गेस 20 किलोमीटर की ढलान होगी। और अभी मैं पहुंच गया यहाँ पे मसूरी बेंड पे, तो यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे, एक रास्ता जाता है नीचे जो कि जाता है विकास नगर और चक्राता के लिए, बट मुझे जाना सीधा यमुनोत्री और बरकोट। अब मैंने चेस्ट माउंट निकाल दिया तो अपने, क्योंकि चढ़ाई आ गई ना, मैं ये नहीं यूज करना चाहता, तो यहाँ पे से मैंने पानी भर लिया है। तो भाई लंबा टूर कर रहा हूँ, तो इस बार सोचा मैंने अपने खान पान में ना पूरा ध्यान रखूंगा, तो अभी तक घर से लेके मैंने अभी तक ना आई गेस 5.5 बॉटल मैंने अभी तक कंज्यूम कर ली है। पूरा सफर आज का यमुना नदी के किनारे किनारे होने वाला है, और जब मैं पिछले साल यहाँ पे आया था ना साइकिल में, तो ये वाला जो पूरा रास्ता है ना ये पूरा टूटा हुआ था। तो चलो एक चीज अच्छी हुई कि रास्ता बन गया है। अभी बज रहे हैं 12 और 10 नाउ अभी तक मैंने कर दिए हैं 71 किलोमीटर। अच्छा यार, मतलब मेरे को लगा नहीं था मैं कर पाऊँ, एवरेज स्पीड बहुत कम है, 11 किलोमीटर पर आर की चल रही है। तो भाई गर्मी है, तो जो मैंने हैट ली थी वो भी मेरी बैग में खुलना नहीं चाह रहा अभी, तो ये कि आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या पैकिंग है। वो अच्छी सी जगह में कोई ढाबा वाबा होगा वहाँ पर मैं लंच के लिए बैठूंगा ना, तब आपको दिखाता हूँ कि व्हाट आई एम कैरिंग फॉर माय ड्रीम राइड। यो मेरा फेवरेट साइन बोर्ड अभी थोड़ा सा आगे आया था, और ये देखो दुश्मन बोर्ड भी दिख गया। और पता है दोनों में फर्क क्या है, जो डाउनहिल वाला बोर्ड होता है ना उसकी डाउनहिल इतनी सी होती है, ये जो अपील वाला बोर्ड होता है ना इसकी अपील भाई इतनी खतरनाक होती है ना। वैसे तो सुबह जो मैंने पराठा खाया था ना वो तो इतना बेकार हो रहा था, तो ज्यादा नहीं खा पाया था, तो मैं सोच रहा हूँ लंच का टाइम मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया, क्योंकि मैं शाम के ना अप्रोक्स 5:30 तक ही साइकिलिंग करूंगा, तो अभी 12:30 एक बज रहे, तो मैं सोच रहा हूँ लंच कर लूँ। तो अभी मैंने लंच कर लिया है, दिन के बजने 1:30, और भाई क्या लंच था यार, क्या थाली थी भाई, 80 रुपीज की बड़ी और बहुत ही टेस्टी थी। नैन बाग उस जगह का नाम था जहाँ पे उन्होंने लंच किया। देखो भाई अगर आप ना नई लोकेशन पे जाते हो एंड आपको वहाँ पे खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, तो वहाँ के लोगों से ना 3-4 लोगों से पूछ लो यहाँ पे सबसे बढ़िया ढाबा कौन सा है। जैसे मैंने अभी 4 लोगों से पूछा, उसमें से 3 लोगों ने ना एक ही नाम लिया, तो मैं उसी में गया एंड मजा आ गया। सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ डेस्टिनेशन तक जाना है, तो सोचा उससे पहले आपको दिखा दूं कि क्यों आज मेरी साइकिल इतनी हैवी हो रखी है कि मुझे गड्ढों से बचा के जानी पड़ रही है। तो भैया ये देख लो साइकिल को, हमारी प्यारी ब्लू, जो कि ब्लू कम ब्लैक, और ये नियॉन ज्यादा दिख रही है क्योंकि कपड़ों से, मतलब ऐसा लग रहा है स्कूटर चला रहा हूं मैं कोई। तो ये देखो पहले आगे से शुरुआत करते हैं हम। तो भाई आगे सबसे पहले मैंने लगाया अपना स्लीपिंग बैग, उसके आगे अपना वेस्ट बैग जिसमें छोटा मोटा सामान है, अपना चार्जर एंड ऑल, ये ट्राइपॉड रखा है जो मेरे फ्रेंड तेजेंद्र ने दिया था, थैंक यू मेरे भाई तेजेंद्र। और ये टेप है बड़ा, ये लाइट है, ये हेलमेट मैंने आगे रखते हैं बिकॉज गर्मी हो गई है, धूप हो गई है, तो हैट निकाली है बाहर जो मैंने अभी ली थी 300 रुपए की, को बंजी रोप से बांधा हुआ है मैंने ऊपर। और फ्रंट में यहाँ की बात करें तो ये और ये, तो देखो भाई पहले मैं इसी बता दूँ कि जो पीछे के पैनियर बैग है ना ये तो मेरे अपने ब्रांड के जो पैनियर बैग है वो है, बट आगे क्या है कि हुक वाले पैनियर बैग चाहिए थे मुझे, तो मेरे पास थे ही नहीं, वो लास्ट मोमेंट में मेरे एक फ्रेंड है अभिनव, तो उन्होंने मुझे अपने बैग दिए कि दोनों डिकैथलॉन वाले बैग हैं, ये भी केचुआ का, ये भी केचुआ का है, बट डिफरेंस ये कि एक 20 लीटर के 15 लीटर का है, तो उसके बाहर से मैंने अपने बैग के रेन कवर लगा रखे हैं सो दैट दोनों सेम लगे। तो थैंक यू वंस अगेन अभिनव भाई। और पीछे की बात करें तो ये मेरी मैट है, ये मेरा 2% टेंट है, ये मेरा कॉलेज बैग है बैकपैक, क्योंकि अगर मैं ट्रैकिंग व्रैकिंग करता हूं तो एक बैकपैक लेना ज़रूरी है। इस बैकपैक में मैंने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ रखे हुए, कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन, ये है पोर्टेबल चेयर। कभी कभार ना क्या होता है कि बैठने की जगह नहीं होती है, तो बस चेयर को खोलो बैठ जाओ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई 500 समथिंग की। मैं क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ उसका वीडियो बनाऊंगा ना डिटेल्ड, तब मैं सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी तो मैं बाहर हूँ, एडिटिंग वगैरह इतने नहीं कर पाऊंगा। बाकी पीछे दो मेरा पैनियर बैग है जुआ का, इसका लिंक मैं आपको भी दे दूंगा, तो अभी खरीद सकते हो, ये सबसे चीपेस्ट पैनियर बैग है इंडिया में आप ये कह सकते हो, और इसमें रेन कवर भी फ्री मिलते हैं साथ में। बहुत हैवी, मतलब बहुत हैवी, मैंने वेट नहीं नापा, मैं सोच रहा हूँ कहीं पर कोई शॉप मिल जाए ना जो मतलब ऐसे कोई बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट करते हो, तो उससे वेट कर लूँगा। तो हाँ ये चीज़ मैं बताना भूलिया कि इस बार जो मेरी पूरी टूर कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं साइकिलिंग नहीं करने वाला, मैं अपने आप पे भी ध्यान देने वाला हूँ, फ्रूट्स खाने वाला हूँ, ये अपना ब्रश एंड ऑल, मतलब टाइम टू टाइम नहाऊंगा धोऊंगा, क्योंकि आमतौर पर जब मैं टूरिंग कर रहा होता था ना तो मैं ना अपनी ये टूथपेस्ट अपना मतलब बॉडी पे ध्यान नहीं देता था, खान पान भी सिर्फ लंच और वो ब्रेकफास्ट करता था, बट इस बार में बीच में भी जैसे सेब वगैरह नींबू वगैरह लेके आ रखा हूँ ये सब खाऊंगा। और पूरे टूरिंग के दौरान ना मैं पूरी साइकिलिंग नहीं करूँगा डेली, बीच में एक दो दिन का स्टे भी करूँगा ताकि मैं उस बीच रिकवर हो सकूँ और अपने कपड़े वगैरह धो के सुखा के अपना डाइट वगैरह पर फोकस कर सकूँ। तो भाई ऐसी सिचुएशन के लिए ली थी मैंने चेयर कि जहाँ पे ना बैठने का ना मन कर रहा हो और बैठने की जगह ना हो। मेरा ये था कि कितनी भी भारी हो जाए मेरी पैकिंग ये तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, और ये भी मतलब इतना हैवी नहीं है, 400-500 ग्राम का है। इतना अच्छा लग रहा है ना, चीज़ें काम में आ रही, मतलब मैंने जो जो चीज़ रखी थी, मतलब मैं चाहता हूँ मैंने जो जो चीज़ रखी ना सारी की सारी काम में, तब लगेगा कि भाई इतनी हैवी बाइक पैकिंग का कुछ तो फायदा। वैसे मैं सोच समझ की चीज़ें लाया हूँ भाई, मैं यहाँ पे तशरीफ डाल के बैठा हुआ था, अभी मैप चेक किया जहाँ मुझे जाना है वो 37 किलोमीटर है और अभी 2:30 बज रहे हैं, और इसी स्पीड से मैं चला रहा हूँ ना, उससे अगर मैं ऐसे बैठा रहा ना तो नहीं पहुंच पाऊंगा, अब निकलना पड़ेगा फटाफट। तो यार ना गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है भाई, ठीक है, मतलब दिन की 2:30 बजे की गर्मी है, ये चुभ रही है,
तो भाई हल्का सा भी ना गला सूख रहा है तो पानी पीना पड़ जा रहा है। देखो भाई टूर तुम कितनी भी करो, लाइफ में कुछ भी करो, अगर गला कभी भी सूख रहा है ना हल्का सा भी, भाई से पानी दे दो दबा के, खासकर साइकिलिंग में। ये मेरी 10वीं बोतल है, 10वीं। इस गर्मी को नेगलेक्ट करने के लिए ना मुझे गाने सुनने पड़ रहे हैं। शिव कैलाश के वासी। साइकिल लमसम 27-28 किलोमीटर है मेरा यहाँ से भी आज का डिस्टेंस, जहाँ मैंने सोचा है कि मुझे जाना है। साइकिलिंग के दौरान एक पैच होता है जो बहुत धोखेबाज होता है, जैसे कि एक होता है चढ़ाई, एक होता है ढलान, एक होता है सीधा। पर जैसे ये रोड है, ये दिखने को लग रही है पूरी सीधी होगी पर ये है चढ़ाई, तो ये इसलिए मैं इसको धोखेबाज कह रहा हूँ। ओ देखो ऑपोजिट में वहाँ जाना है मेरे को। तो इस बार ये घर से लाए हुए सेब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरी, मतलब पिछले 15-20 किलोमीटर से ना ऐसे ही पैच है, मतलब पूरी रोड दिख रही है और इसमें इतनी बोरियत आ रही ना भाई, ऊपर से धूप गर्मी। मेरा तो मन कर रहा है किसी धारा में ना नहाने के लिए बैठ जाऊं, बट वो ये एक तो अकेला हूं, दूसरा नहाने बैठा ना तो सुस्ती आ जाएगी तगड़ी वाली। अभी भी मुझे अराउंड 20 किलोमीटर तो साइकिल चलानी है। तो गाइस पहले ये वाली क्लिप चेक करो। सो गाइस हम फाइनली लाखा मंडल के गेट तक पहुँच चुके हैं और अभी बज रहे हैं 5:30। और अब ये भी देखो, सेम लोकेशन में एक साल बाद और ज़्यादा एनर्जी से, और ज़्यादा लोड था फिर भी और जल्दी पहुंच गया। पिछली बार मैं थोड़ा लेट पहुंचा था जबकि उस टाइम सामान बहुत कम था, तो चलो लग रहा है थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। बट आज की डेस्टिनेशन मेरी ये नहीं है, अभी यहाँ से मुझे 10 किलोमीटर और जाना है और अगर ताकत रही तो 20 किलोमीटर जाके सीधा बड़कोटी रुक जाऊँगा। भाई आगे देखो क्या मस्त लग रही यार ये पहाड़ी, पूरी हरी हरी। और पहाड़ी तो बढ़िया है पर मेरी टांगें ना फाइनली जाम हो चुकी है। हमेशा जब भी मैं टूरिंग में निकलता हूँ ना, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से पता चल जाता है कि बस अब नहीं है बस का। तो अब यहाँ से जो मेरी डेस्टिनेशन है वो 7-8 किलोमीटर रह गई है। आई होप प्लेन नहीं हो या तो डाउन हो, ज़्यादा चढ़ाई ना हो यार, क्योंकि मेरे से ना प्लेन भी नहीं हो रहा। अब फिर वहाँ जाके कैंपिंग स्पॉट ढूंढना है, नहाना धोना है यार। अभी ना मेरे को चढ़ाई दिख गई इसलिए अब मैं ना सोच रहा हूँ 15 मिनट का एक छोटा सा और नैप तो क्या, नींद तो ना लूंगा नहीं, पर एक ही 15 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। फाइनली जिस बोर्ड का मुझे इंतजार था वो आ गया, यमुनोत्री धाम यात्रा या नगर पंचायत नौगांव जनपद उत्तरकाशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो फाइनली हमारे प्यारे चीड़ के पेड़ों के नीचे से मैं साइकिलिंग करता हुआ, इन पेड़ों से तो मुझे अलग ही लगा हुआ है यार। ये देखो ये सारे चीड़ के पेड़ है। तो यार मैं पहुंच चुका हूँ नौगांव और नौगांव में बहुत ट्रैफिक था तो मैंने कहा साइकिल चलाता हूँ, ब्लॉग बाद में करूंगा। तो ये एक जगह नौगांव में, तो मेरा एक फ्रेंड है सिद्धार्थ देहरादून का है, तो उसके चाचा का ये जमीन है, तो ये उनका कुछ यहाँ पे कोई मशीन वगैरह मशीनरी है, तो यहाँ पे जगह थी तो उन्होंने परमिशन दे दी। फिलहाल इसके ऊपर इनकम नहीं लगा रहा हूँ, पूछता हूँ यहाँ पे कैसी ठंड वंड होती है, अगर ठंड हो रही होगी तो इनकम डाल दूंगा। और अभी सामान सुबह सुंदर डालता हूँ, बहुत थक गया हूँ। तो अभी बज रहे हैं 8:00 और देखो ये रहा पूरा टेंट सेटअप, और ना मैं नहा भी चुका, यहाँ पे ना नल वल था तो मैं नहा गया हूँ प्रॉपर। तो अब यहाँ से फटाफट खाने निकलता हूँ, आपको उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ बढ़िया, तो मैंने ना कपड़े भी धो दिए, तो यहाँ पे रस्सी वस्सी थी इनको टांगने के लिए। तो देखो मैंने अपने दो बंजी कॉर्ड को ऐसे ज्वाइन करके यहाँ पे ऐसे धागा बना दिया और उसके ऊपर सारे कपड़े सुखा दिए, और ऊपर शेड है ताकि रात को अगर पाला पड़े तो कपड़े गीले नहीं होंगे। फटाफट निकलते हैं, बहुत बेहतर भूख लग रही है। तो भाई अभी बज गए 9:00, पूरा डिनर विनर हो गया, बहुत ही तगड़ी थाली थी 100 रुपए की, मतलब लगा लो आज मैंने 8 रोटी खाई और 2 फुल प्लेट चावल और सब्जी वगैरह पनीर, और मतलब बहुत कुछ खाया यार, क्योंकि ना 3000 कैलोरीज बर्न की थी तो यार उसको वापस कंज्यूम करना भी बहुत जरूरी था। और सुबह के लिए ना मैंने ये अभी यहाँ पे एक दूध का पैकेट ले लिया है, एक बन का पैकेट और एक बिस्किट का पैकेट ले लिया है सुबह निकलने से पहले ना, क्योंकि मैं खाली पेट नहीं निकलना चाहता सुबह, तो बना लूंगा। और अभी ना बहुत गंदी नींद आ रही थी, बहुत गंदी नींद आई है, सोचा था कि लैपटॉप में काम करूंगा बट अब कल ही करूंगा, कल अपने दोस्त के होटल में रहूंगा क्योंकि। तो अभी थोड़ा ना सरसों के तेल से ऑयलिंग करता हूँ एंड फिर सो जाता हूँ भाई। वापस अपने टेंट में आ चुका हूँ, साइकिल वापस रख दी है, तो ना यहाँ से साइकिल विजिबल नहीं है, एकदम पीछे लगा दिया क्योंकि यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना साइकिल की सेफ्टी है। तो यार सोने से पहले ना आप लोगों को अपने टेंट के अंदर का मैस दिखा देता हूँ। देखो ये सब पूरा ऐसे खुला पड़ा है, कुछ चीजें ऊपर लगी हुई है, और इस बार ये मेरे फ्रेंड तेजेंद्र ने अपना ये एयर पिलो दे रखा है, मैंने मंगाया था, मेरा डिफेक्टिव निकला तो लास्ट मोमेंट में उसने अपना डिकैथलॉन वाला दे दिया स्लीपिंग पिलो। सुबह भाई ठीक 4 बजे किसी भी हाल में उठना है, सबसे पहले बनानी है चाय बन, वो खा के सारा पैक करके टेंट वेंट पैक करके मेरे हिसाब से 6 बज जाएंगे ऐसे निकलते निकलते, क्या पता मैं 3:30 बजे भी उठ जाऊँ, बट ये कि 4 बजे से पहले पहले किसी वाले मुझे उठना है। तो भाई बात करें आज की राइड की, तो भाई तुम्हारे भाई ने आज 120 किलोमीटर राइड की है, आप मेरे स्ट्रावा में देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और बात रही खर्चे की, तो आज मेरा रहने का खर्चा नहीं है, बस मेरा खाने का खर्चा है जो कि अप्रॉक्स मतलब लेके चलो 300 रुपए का मेरा खाने का खर्चा है, इसमें लंच ब्रेकफास्ट डिनर था और एक अर्ली मॉर्निंग जो मैंने थोड़ा बहुत खाया था वो था। तो गाइस कैसा लगा आपको
डे वन देखो भाई एडवेंचर तो हो ही गया, वाट लग गई, लास्ट में टेंट लगा दिया, इतना सारा मैस, इतना सारा लोड, और कल यहाँ से मैं जाऊंगा जानकी चट्टी और पूरी चढ़ाई है, बहुत ही तगड़ा एलिवेशन है, सुनने में कि नज़ारे भी बढ़िया हैं, तो आई होप कि वो नज़ारे हमारा साथ दे। तो इसी के साथ इस वीडियो में करता हूँ एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और भाई अभी तो बहुत वीडियोज आने वाले हैं क्योंकि ये चार धाम की जर्नी बहुत तगड़ी होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए फन और नए एडवेंचर्स के साथ। बाय बाय।